हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए चिली पनीर की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलते हैं, चिली पनीर बनाते हैं दोस्तों। इस तरह से बताइएगा कैसे बनी है, मेरी वीडियो पूरी देखिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों, मैंने इससे पहले जो वीडियो डाली है पनीर की, वो वीडियो मेरी बड़ी हो गई थी। तो दोस्तों, मैंने इसमें चिली पनीर रेसिपी बताई है आप लोगों को, मेरी दूसरी वीडियो में आप जाके देख सकते हैं पनीर कैसे मैंने बनाया है। और इस वीडियो में मेरी चिली पनीर की रेसिपी आप पूरी देखेंगे दोस्तों। आइए तो चलते हैं चिली पनीर बनाने। ये ले लिया है मैंने 250 ग्राम पनीर, जो मैंने होममेड बनाया, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को वीडियो में दोस्तों। इधर देखिए, मैंने ले लिए दोस्तों चिली पनीर के लिए मैंने 3 शिमला मिर्च ले ली है, 2 टमाटर ले लिए हैं, आप एक भी ले सकते हैं, आप नहीं हो तब भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि टमाटर हो। तो अगर केचप हो आपके पास, टमाटो सॉस हो तो चल जाएगा दोस्तों। 2 मैंने ले लिए हैं प्याज, 3 हरी मिर्चा, 5 से 6 ले लिए लहसुन की मतलब कलियां, और ये ले लिया है मैंने धनिया के जो स्टैम्प होते हैं वो ले लिए हैं। इससे क्या है, टेस्ट अच्छा आएगा सब्जी में। तो चलिए आगे बढ़। ये देखिए दोस्तों, मैंने सारी सब्जियां कट कर ली है आप लोग दिखाने के लिए किस तरह से कट करनी है। ये देखिए, प्याज थोड़ा गार्निश के लिए धनिया ले लिया, टमाटर का अंदर का मैंने जो बीज था वो निकाल दिया है, ऊपर का कवर ले लिया है। देखिए इधर धनिया की स्टेम कट कर ली है थोड़ी सी। ये ले लिया है लहसुन, थोड़ा सा अदरक जरा सा, ये 2 मिर्चा ली थी 3 मैंने, इसको स्लिट कर लिया बीज से, तीरा लगा लिया है। ये ले लिया थोड़ा सा प्याज, मैंने महीन महीन कट कर लिया है, शिमला मिर्चा है। चलिए तो बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। गैस मैंने ऑन कर दी दोस्तों, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ये देखिए दोस्तों, 2 चम्मच डाला मैंने ऑयल, आप सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं। इधर ले लिया दोस्तों मैंने, देखिए रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा डाला है क्योंकि मेरा मक्खन जल जाएगा। मैंने बटर ले लिया थोड़ा सा, आधा चम्मच लिया है बटर, इसलिए तेल लिया है मैंने, सरसों का नहीं लिया है। देखिए इधर डालेंगे लहसुन, बटर के साथ तेल नहीं डालेंगे तो बटर जल जाता है, इसीलिए। ये हमने डाल दी है मिर्चा, कुछ मिर्चा हमने गार्निश के लिए रखी है इसलिए थोड़ा सा डाला है। ये डाला है अदरक, इधर डाला है ये धनिया का स्टेम, इधर मैंने छोटा छोटा जो प्याज काटा था दोस्तों वो ले लिया है। ये देखिए इसको गोल्डन ब्राउन, हल्का सा ब्राउन करेंगे, बिल्कुल लाइट ब्राउन। डालेंगे दोस्तों इसमें शिमला में, दोस्तों सब्जियों का क्रंच बना रहे, बिल्कुल एकदम काला इनको नहीं करना है, ना मैरून करना है, गोल्डन ब्राउन भी नहीं करना है, इनको हल्का सा सॉटे करेंगे बस। एकदम बेस गैस की हम फ्लेम फुल कर देंगे दोस्तों, तब इसको इसमें क्रंचीपन लाने के लिए हल्का सा इसको सॉटे करेंगे बस। और इसमें डाल देंगे प्याज, बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनना है हमको। देख सकते हैं दोस्तों, सब्जी हमारी हल्की हल्की क्रंचीपन सा हो गया है इनमें। ये डाल देंगे टमाटर, तो सोटे कर लेंगे। इधर क्या करते हैं दोस्तों, हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। हमारी सब्जियां भून चुकी हैं, 1 चम्मच ले लेंगे सोया सॉस, 1/2 चम्मच लेंगे विनेगर, थोड़ा सा बिल्कुल लेंगे दोस्तों, व्हाइट विनेगर लेंगे। इधर ले लेंगे कॉर्नफ्लावर 1 चम्मच, ले लेंगे कॉर्नफ्लावर 1 चम्मच। इसी में 1 चम्मच ले लेंगे सॉस, टोमेटो केचप 2 चम्मच ले लेंगे दोस्तों।
दो चम्मच केचप डाल के इसको मिला लेंगे। इधर हमने ले लिया है 1 चम्मच सेजवान चटनी, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, थोड़ा सा ये डाल देंगे। इधर नमक ले लिया मैंने, इधर ले लिया ये काली मिर्चा, थोड़ा सा नमक डाला था हल्का सा। देखिए हमारी सब्जियां दोस्तों भुन चुकी हैं। अब इसमें हम ये जो ग्रेवी के लिए हमने बनाया था कॉर्नफ्लावर वाला गोल बनाया था, ये पूरा इसमें डाल देंगे। इसमें इतना ही पानी डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों हमारी ग्रेवी हो गई तैयार। अब हम इसमें डालेंगे पनीर, सारा पनीर डाल देंगे। पनीर फ्राई नहीं किया हमने, ऐसे ही डालेंगे, कच्चा अच्छा लगता है। अब इसकी ग्रेवी में 2 मिनट के लिए हम ढक के पकाएंगे ताकि पनीर हमारा ग्रेवी के साथ मिल जाए अच्छे से, टेस्ट इसके ऊपर आ जाए। इसमें मैंने ये देखिए दोस्तों सब्जी बन गई हमारी, सब्जी तैयार है। धनिया से कर लेंगे गार्निश इसको। हाँ जी बताइए दोस्तों ये मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। लाइक शेयर एक बार मैं फिर बोल देती हूँ, प्लीज दोस्तों जरूर से जरूर कर दीजिएगा। मेरी रेसिपी आप लोगों को जरा सी भी अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।